हेलो क्लासमेट्स, आई होप आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया होगा। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने का प्रोसेस सेम वही है, बस यहाँ आपको भिन्नों में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और छोटा नंबर था, इसलिए हमने इसे कैलकुलेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया था 16/25। इसे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करड़ी लगानी होगी। करड़ी जो होती है कि वर्गमूल का ही सिंबल है, तो इक्वल टू, फिर इसे आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए ये कौन से टर्म में फैक्टर होगा, 4 × 4 भी कर सकते हैं या फिर 2 × 2 × 2 × 2 भी कर सकते हैं। अपान 25 का फैक्टर करेंगे, 5 × 5 होगा। आप इसे अभाज्य गुणनखंडों में ही फैक्टर करना है, बट हमने दो टर्म में हो रहा था इसलिए इसे कर दिया। इक्वल टू, फिर उसके बाद वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको दो दो का पेयर बनाना है। तो दो दो का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर में से एक नंबर ही लेते हैं, तो इस पेयर में से केवल एक 4 लेंगे और दूसरे पेयर में भी एक ही नंबर लेंगे। तो 16/25 का वर्गमूल आपका क्या आएगा, 4/5। उसके बाद हमने एक पॉइंट वाला क्वेश्चन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था 0.0625। तो इसे सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना है तो करड़ी लगा के लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो जितने डिजिट पे पॉइंट होता है उतने ही 1 के बाद 0 आते हैं। यहाँ देखिए 625/1 लिखेंगे, 1 के बाद कितने 0 आएंगे, 1, 2, 3, 4 डिजिट पे पॉइंट है तो 4 0 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 होगा और इसका 10 × 10 × 10 होगा। अब यहाँ दो दो का पेयर बनाएंगे, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, फिर एक पेयर, फिर एक पेयर। और आपको ये पता है एक पेयर में से हमें सिर्फ एक नंबर को ही लेना है। यहाँ एक पेयर में से एक नंबर लिए, यहाँ इस पेयर से एक नंबर लिए, इस पेयर से लिए, फिर इस पेयर से लिए। उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 × 5 = 25 / 10 × 10 = 100। फिर आपका क्वेश्चन जब पॉइंट पे था ये भी आंसर सही है, बट क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आंसर भी आपको उसी फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन आपका पॉइंट के फॉर्म में था तो आपको आंसर भी पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.25, क्योंकि 2 0 है तो यहाँ 2 0 पे ही पॉइंट लगाना है। आपका एक्सरसाइज 2.4 में कंप्लीट होता है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, जो नहीं आएगा ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्लास एट आपका एक्सरसाइज 2.4 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी और बहुत ही कम क्वेश्चन थे, इसलिए हमने एक्सरसाइज 2.5 भी इसी वीडियो में ऐड कर दिया है। तो एक्सरसाइज 2.5 को देखते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है आपको, वर्गमूल ही ज्ञात करना है, बस फर्क इतना है कि इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे आप पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सिंपल फ्रैक्शन में था, इसे हमने किया नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है 4/29/49। तो इसे आप सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिएगा। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको जो हर है उसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 49 से 4 में मल्टीप्लाई करिएगा जो आएगा, फिर उसमें 29 को ऐड करिएगा तो आएगा आपका 225। अपान में आपका वही नंबर आएगा 49। इसका आपको वर्गमूल, अब देखिए सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, चेंज हो चुका है, अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। सेम वही प्रोसेस है जो आप सिंपल फ्रैक्शन में करते थे। तो इसे देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले करड़ी लगा के लिखेंगे, इक्वल टू आपका जो सिंपल फ्रैक्शन है उसे करड़ी में लिखेंगे, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। 225 का फैक्टराइजेशन होगा 3 × 3 × 5 × 5 अपान 49 का फैक्टराइजेशन होगा 7 × 7। उसके बाद आप दो दो का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर से केवल एक नंबर आपको लेना है। जब पेयर से एक नंबर लेते हैं तो ये आपका जो करड़ी है वो हटा दी जाती है। 3 × 3 में से एक नंबर लिए 3, 5 × 5 से एक नंबर लिए 5, 7 × 7 से एक नंबर लिए 7। उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15/7। उसके बाद आपका ये भी आंसर सही है, बट क्वेश्चन का फॉर्म हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हम आंसर को भी किस में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। 7 से क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे, 7 × 2 = 14, ये माइनस करेंगे तो 5 − 4 = 1, यहाँ कुछ नहीं बचा है। तो जो हमारा भागफल आता है उसे होल नंबर बना देते हैं और जो शेष आता है उसे अंश बना देते हैं, और जिसे डिवाइड करते हैं वो आपका हर रहता है। तो आपका आंसर है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा।